हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? नए दिन के नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक न्यू वीडियो लक्ष्मी ब्लॉगर। दोस्तों कैसे हैं आप? भगवान करे आप सभी लोग स्वस्थ हों और मस्त हों, अपने अपने घरों में सुरक्षित हों। दोस्तों वीडियो की शुरुआत हो गई है, अभी दिन के 2 बज रही हैं और मैंने यहाँ से वीडियो की शुरुआत की है। यहाँ से नहीं दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों के साथ कल वाली वीडियो भी अपनी शेयर करूंगी और आज की वीडियो मेरी यहाँ से शुरू हो रही है। तो आज की वीडियो में मैं क्या क्या डालूंगी वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों अभी भी आप लोग बारिश की आवाज सुन रहे होंगे, बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे बारिश लगातार हो रही है और बहुत ही ज्यादा, मतलब कि कहीं ना आया जा रहा है ना जाया जा रहा है, तो ना कोई आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है। तो चलो देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या है। आज है मंडे, तो देखते हैं आज मैं क्या क्या डाल पाऊंगी वो मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और अभी बज गई है रात की 8 बज गई है, तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे सब्जी। और सब्जी मैं मतलब थोड़ा थोड़ा सब्जियां बच रखी थी उसका मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, मतलब मिक्स सब्जी बना रही हूँ। तो दिखा रही हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो चलो देखते हैं मैं आज क्या बना रही हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो मेरी संडे शाम की है, जब मैंने प्रेस किया था उसके बाद की है ये। और ये वीडियो मैं कल ऐड करने वाली थी लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती इसलिए मैंने ऐड नहीं की। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा थोड़ा सब्जियाँ बच रखी थी, गोभी बची थी, बीन्स हैं और एक आलू काटूंगी, थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था। मैं 2-3 दिन पहले लाए थे हस्बैंड जी, लेकिन 2 जनों में ज़्यादा हो जाती, पूरा पैकेट था तो मैंने थोड़ी सी बचा दी थी। और उसको मैं ये सब मिला के आज एक मिक्स वेज बनाऊंगी। तो रेसिपी ज़्यादा मैं शेयर नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो मैं काम कर रही हूँ वही शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज है, जो प्याज धो के मैं काट लूँगी। मैंने प्याज धोया था क्योंकि क्या होता है ना, प्याज आलू इकट्ठा लाते हैं हम तो थोड़ा सा मिट्टी वगैरह जैसी हो जाती है, तो मैं धो देती हूँ जब काटती हूँ। काटने से पहले नहीं धोती हूँ, जब काटते समय मैं जब मतलब कि सब्जी के लिए काटती हूँ तब मैं धो के काटती हूँ। और धोने के बाद भी प्याज मतलब कि ना भी धो तो उतना फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि पहले हम धो देते हैं। और यहाँ पे मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, मतलब नाइट का है ये, संडे नाइट का है यहाँ पे ये। तो सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, किस तरह मैं बनाती हूँ। कभी ऐसा होता है ना घर में काफ़ी हमारी सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी अलग अलग सब्जी बच जाती है, तो उसका मैं किस तरह ये मिक्स वेज बना रही हूँ वही मैं शेयर कर रही हूँ आज। और दोस्तों वीडियो मतलब कि बनाने के लिए तो बहुत वीडियो हो जाती हैं, लेकिन वही है कि रोज़ क्या डालें। तो यहाँ पे मैं अभी सब्जी बना दूंगी और जो मैंने प्याज काटा था उसको भी मैंने रख, मतलब जो पत्ते होते हैं प्याज के ना वो मैंने फेंक दिया कूड़ा। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया था। प्रॉपर मैं पूरी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा जो भी है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा वो हमेशा का कद्दूकस कर रही हूँ मैं टमाटर, और जैसे मिक्सर ग्राउंड करो काफ़ी वो हो जाता है, मतलब कि काफ़ी हो जाता है, फिर बड़े बड़े धोने के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी कद्दूकस कर दिया था। प्याज ब्राउन हो गए थे लेकिन इसमें कैमरे में वाइट दिख रहे हैं, वाइट नहीं है, ब्राउन हो गए थे प्याज। तो टमाटर डाल दी मैंने, थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दूंगी इसमें। और इस समय मैंने फ्रंट कैमरा कर रखा है तो मेरा जो हैंड है वो भी लेफ्ट लग रहा,
इसमें राइट हैंड से ही काम करती हूँ। मसाले भी डालूंगी अब, क्योंकि हल्दी और नमक पक गया था टमाटर के साथ। और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट है, तो मैं इसको डालूंगी। मुझे जब से मैं ये पेस्ट लाई हूँ ना, कैंटीन से लाई हूँ मैं 2 पैकेट, तो मुझे आराम हो गया है। लहसुन और अदरक मुझे पीसना नहीं पड़ता है। इनको अच्छे से पका दूंगी। और मसाले पक गए थे, तो अब मैं जो बीन्स और आलू हैं इनको पहले मतलब अच्छे से मसाले के साथ भून के इनको ढक के मैं 5 मिनट इनको पहले पका दूंगी। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें गोभी और जो पनीर है। यहाँ पे बीन्स आलू पक गए थे थोड़ा थोड़ा, तो अब गोभी और पनीर डालूंगी मैं। इसको मिक्स करके अब ढका के पका लूँगी। उसके बाद दोस्तों, जैसे कि हम सब्जी वगैरह काटते हैं, कुछ भी करते हैं यहाँ पे काउंटर पे, तो थोड़ा बहुत कुछ गंदगी हो जाती है। उसके बाद मैं इसको साफ कर रही हूँ थोड़ा बहुत। उसके बाद रोटी बनानी है मुझे। अब सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह सब्जी बनी थी। तो इस तरह सब्जी बनी है, और आप लोगों को कैसी लगी आज की ये मिक्स वेज? बिल्कुल सूखी बनाई है मैंने और अच्छी बनी है। दाल भी बच रखी है दिन की, आज संडे है तो दिन की दाल है। दोस्तों ये वीडियो मेरी मंडे की है, और सुबह मेरा सारा काम हो गया था, तो दिन में मतलब कि मेरा आटा ख़त्म हो गया था, दिन में मैं ये आटा इस डब्बे में डाल दूँगी और इसको रख दूँगी मैं। मंडे की भी वीडियो मैंने थोड़ा बहुत बना रखी है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती, वीडियो बड़ी ज़्यादा कोई देखता नहीं है, तो उस चक्कर में मैंने आज वो वीडियो जोड़ी नहीं है इसके साथ। अगले दिन मैं कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी मैंने आटा रख दिया है डब्बे में, और इसको अच्छे से ढक्कन लगा के रख दूँगी मैं। इसको मतलब प्लेन करके और ढक्कन लगा के मैं रख दूँगी। ये डिब्बा मैंने धो के सुखा लिया था दिन में, सुबह ही मतलब धो के सुखा गया था। और आजकल बरसात में ना थोड़ा नमी रह जाती है, तो इसलिए मैंने धूप लगी थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने ये सुखा लिया था। तो यहाँ पर मैंने वो ढका के रख दिया आटा। दोस्तों वीडियो आज इतनी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुँच जाए। बाय।